नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। मैं राम शर्मा, आप भी वैकेंसी गुरु पर हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट 100 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम जो आज वीडियो देख रहे हैं, इसमें नए सभी प्रश्न हैं जो कि नए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं जिनमें पुराने क्वेश्चंस डाले गए हैं। मैंने बिल्कुल पुराने क्वेश्चन नहीं लिए, यहाँ पर सभी नए प्रश्न लिए हैं। और अगर इस वीडियो में से अगर आपके 60% प्रश्न सही हो रहे हैं तो दोस्तों याद रखना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर नहीं हो रहे तो पूरी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगा वीडियो कि आपको इन प्रश्नों की PDF या फिर इन प्रश्नों को पढ़ना है तो दोबारा आप कहाँ से पढ़ें वीडियो के अलावा। तो दोस्तों, बने रहिए, लेट्स हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हैं, आप वैकेंसी ग्रुप पर और मैं राम शर्मा आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 2 दिसंबर को, 5 अगस्त को, 14 नवंबर को या फिर 22 मार्च को। और इसका सही जवाब जो है मित्रों, वो है 2 दिसंबर। आगे हम चलते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन से बिल गेट्स ने, चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने या लुई पाश्चर ने। आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कार। कंप्यूटर का आविष्कार अगर प्रश्न आए तो जवाब देना, कंप्यूटर का अगर आविष्कार पूछा जाए तो जवाब क्या दोगे? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। और एक बात और ध्यान रख लो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक, या कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के पितामह कौन है? आपको जवाब देना है चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, आपको विश्वास करना चाहिए कि वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल से जितने भी कंपिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें कंप्यूटर के सभी लगभग प्रश्न यहीं से मिलते हैं, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आता। आप इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई भी एग्जाम दे के दीजिए, देखिए आपको मालूम चल जाएगा कि मिलते हैं कि नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 3, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 GB में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन आपके सामने, यानी कि 1 GB के अंदर कितना बाइट होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन हैं 1024 KB, 1024 MB और 1024 GB या फिर 1024 TB। कितना होता है 1 GB में, क्या होता है? ठीक है, तो आपका जवाब देना है दोस्तों, 1 GB में 1024 MB होता है। 1024 MB जो होता है वो इक्वल होता है 1 GB के। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आपको मैं एंड में कमेंट करके बताना है, 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, 1 KB की अगर हम बात करें मित्रों, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, 1 MB में, 1 MB 1 MB में 1024 KB होता है, 1 TB में 1024 MB। ठीक है ना, 1 TB में 1024 GB होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में ही निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक या बुद्ध? जवाब देना है। आप लोग भी कमेंट करके हमें जो है बता सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इसका जो सही जवाब है वो है सिद्धार्थ, यानी कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है मित्रों? सिद्धार्थ, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त IC चिप किसके बनी होती हैं? यानी कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो होती हैं वो कौन से पदार्थ से बनी होती हैं? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या फिर सिलिकॉन से? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर में प्रयुक्त जो IC चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों, वो सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। यानी कि 5वें प्रश्न में आपका डी आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 6, DVD इनमें से क्या है? यानी DVD का इनमें से पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विंडो डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क या फिर डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क। और इसका सही जवाब है दोस्तों, DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने ये आंसर माना था उनका सही है। प्रश्न नंबर 7, इंटरनेट के संदर्भ में IP से क्या अभिप्राय है? यानी कि IP का पूरा नाम क्या है? IP का पूरा नाम आपको बता रहा है, IP का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना चाहूँगा मित्रों, IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिन विद्यार्थियों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल माना उनका सही आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8, डिजिटल दुनिया में HDMI का तात्पर्य क्या है?
ठीक है। एच डी से क्या तात्पर्य, जो एच डी एम आई होता है ना उसमें एच डी से क्या मतलब है, मतलब एच डी का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एच डी, हैवी डिवाइस, हाई डेफिनेशन, हैवी ड्यूटी, हाई डेस्टिनेटी। और इसका सही जवाब है मित्रों हाई डेफिनेशन, एच डी का पूरा नाम हाई डेफिनेशन होता है। कहीं पे भी एच डी आ जाए, आप एच डी वीडियो देखते हैं, एच डी टी वी लाते हैं, इन सब में एच डी का जो पूरा नाम होता है मित्रों वो हाई डेफिनेशन होता है। प्रश्न नंबर 9, पी सी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है, इनमें से पी सी का पूरा नाम क्या है, पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, पॉलिटिक्स कंप्यूटर। आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों पी सी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। हम सब जो अपना घर का या खुद का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम पी सी कह सकते हैं, क्योंकि पी सी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, कंप्यूटर का मुख्य पटल, कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का मेन पटल इनमें से किसको कहते हैं, मदरबोर्ड को, फादरबोर्ड को, कीबोर्ड को, या इन सभी को। कंप्यूटर का मुख्य जो पटल होता है मित्रों वो क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड डिवाइस होता है, ठीक है, ये होता है, क्योंकि इसी के ऊपर सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब इसी में जुड़े होते हैं। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, HTTP का उपयोग इनमें से क्या है, HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है, वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट, या वर्कबुक। आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों वेब पेज का उपयोग इनमें से, सॉरी HTTP का प्रयोग इनमें से वेब पेज करता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट खोलोगे उससे पहले पहले लिखा हुआ है HTTP:// फिर वेबसाइट का नाम आता है www.vacancyguru.in, जैसे कि अपनी वेबसाइट का नाम है vacancyguru.in, आप गूगल में सर्च करके जा सकते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं मित्रों, HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने HTML का बता दिया यहाँ पर, HTML एक भाषा होती है जो वेब पेज बनाने के काम में आती है, उसका नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी है, सहायक है, भीतरी है, या फिर मुख्य मेमोरी है। मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है, यानी मेन मेमोरी है, इसे मुख्य मेमोरी कहते हैं या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं या फिर प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी या प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक भी कहते हैं, प्राइमरी भी कहते हैं, मुख्य भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है। मित्रों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है, डेटा से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना। अब आप बोलेंगे कि सर ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो आप लोग सुने इन्फॉर्मेशन क्या होती है। जैसे कंप्यूटर को हमने 5+5 डेटा दिया, कंप्यूटर को हमने पूछा कि 5+5 कितना होता है, कंप्यूटर ने क्या जवाब दिया, 10, ठीक है, क्या जवाब दिया मित्रों, 10। तो 5+5 तो यहाँ पर डेटा हो गया और इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, 10, जो कि सूचना हो गई। तो ये सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। आगे हम चलते हैं 14वें प्रश्न पर, अगर आपके दोस्तों सभी प्रश्न लगभग सही होते जा रहे हैं तो आप सभी से, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी तैयारी सही है, और अगर नहीं हो रहे तो आप रेगुलर तैयारी करें और भी आप तैयारी को मजबूत बनाएं, क्योंकि लगभग सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आजकल कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है, दोस्तों सॉफ्टवेयर कोड जो होता है उसमें त्रुटियां यानी गलतियां देखने को क्या कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, या फिर रनिंग कहते हैं। मित्रों आप सभी को बताना चाहूँगा सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। ऑप्शंस हैं सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और नोटबुक। सबसे बड़ा और सबसे महंगा अगर पूछ ले जाए तो जवाब देना है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा आकार में, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है। 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, सामान्य रूप से काम में लिया जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है जिसका सामान्य रूप से हम इस्तेमाल करते हैं। मित्रों हम जो कंप्यूटर सामान्य रूप में इस्तेमाल करते हैं वो है डिजिटल,
ऑप्टिकल, हाइब्रिड या फिर एनालॉग। और इसका सही जवाब आपको बताना चाहूँगा, सही जवाब है डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं दोस्तों, जैसे हम डेस्कटॉप या फिर पीसी कह सकते हैं, लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर में जो भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें लैपटॉप हो गया, टेबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर डेस्कटॉप हो गया, वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। बाइनरी आपने कोड सुना होगा कंप्यूटर का, जिसमें जीरो या एक का इस्तेमाल किया जाता है ओनली, तो इसमें दो अंक होते हैं, कौन कौन से, एक जीरो और एक एक। तो यहाँ पर 17वें में सी जवाब रहेगा। 18वां प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। भारत में निर्मित जो परम सुपर कंप्यूटर है, उसका विकास कौन सी संस्था ने किया। ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDEC या फिर BARC। और मित्रों, इसका सही जवाब आपको बताना चाहूँगा, इसका सही जवाब है CDEC। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम जो है, वो CDEC संस्था ने बनाया है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। मित्रों, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आप सभी को आना चाहिए, और अगर आपका ये प्रश्न सही होता है तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग हार्ड डिस्क को कहते हैं, नहीं, CPU को कहते हैं, बिल्कुल हाँ, रैम को नहीं कहते, इसे नहीं कहते। तो इसका सही जवाब है CPU। कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU है। अगर आपने सही किया तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को। आगे चलते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई। ऑप्शंस हैं 1949, 1951, 1946 और 1947। और इसका सही जवाब है 1946। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे एक साल पहले की गई थी। तो ऐसे आपको याद रखना है कि हमारे देश के आज़ाद होने से एक साल पहले आधुनिक कंप्यूटर खोज लिया गया था। आगे हम चलते हैं, डॉट मैट्रिक इनमें से किस उपकरण की किस्म है। ठीक है, यानी कि डॉट मैट्रिक इनमें से कौन सा उपकरण है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कीबोर्ड है या फिर माउस। और इसका सही जवाब है प्रिंटर। दोस्तों, डॉट मैट्रिक, ठीक है, डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील दोनों क्या है, प्रिंटर के उदाहरण हैं, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है। जो सभी प्रकार के कंप्यूटर हैं दुनिया में, जितने भी कंप्यूटर, उन सब में कौन सी भाषा काम में ली जाती है। ऑप्शंस हैं कोबोल भाषा, फोर्ट्रान भाषा, मशीन भाषा या फिर बेसिक भाषा। और उसका सही जवाब जो है मित्रों, वो है मशीन भाषा। यानी कि सभी प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं, उसमें मशीनरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 हैं, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग के लिए बाजार में जो प्रोग्राम बिकते हैं, सॉफ्टवेयर बिकते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। याद रखना, बाजार में जो सॉफ्टवेयर मिलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाते हैं। इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi से किससे संबंधित है। दोस्तों, .avi, .mp4, .3gp ये सभी जो हैं, ये सभी दोस्तों वीडियो से संबंधित होती हैं, वीडियो से संबंधित होती हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, वीडियो। ओके, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप, IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था। CV रमन ने, दूसरा है चार्ल्स बेबेज ने, तीसरा है मित्रों JS किल्बी ने और चौथा है रॉबर्ट नाइक ने। और इसका सही जवाब आप सभी को बताना चाहूँगा, इसका सही जवाब है JS किल्बी। ठीक है ना, JS किल्बी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 25वें में। अगला है 26वां, कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है। दोस्तों, कंप्यूटर में जो चिप होती हैं, वो कोई सी भी चिप हो, IC हो या फिर CPU हो, दोस्तों ये सभी जो है सिलिकॉन के बने होते हैं। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 26वां। अगर आपने भी सिलिकॉन सोचा है तो आपका सही आंसर है। 27वां प्रश्न है, कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, उसे क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर का दिमाग है, माइक्रो प्रोसेसर, उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है, मैक्रोचिप कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी को बता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का दिमाग होता है दोस्तों, जिसे हम CPU भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, उसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। अगला है, CPU का पूर्ण रूप क्या है। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। वापस से सुनिए, CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। CPU के ALU में इनमें से क्या होता है,
सीपीयू को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। सीपीयू के तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है सीयू, दूसरा है एएलयू और तीसरा है एमयू। ठीक है, तो इनमें से जो एएलयू है ये क्या है दोस्तों? एएलयू रैम स्पेस है नहीं, रजिस्टर्स है नहीं, बाइट स्पेस है नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ALU जो होता है दोस्तों ये अर्थमेटिक या फिर तार्किक ये जो गणनाएं होती है, लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है, उनको निष्पादित करता है। इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों गणना और तुलना के लिए भी मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी लॉजिकल वैल्यू तार्किक गणनाएं करनी है, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ALU का। तो इसका सही जवाब है प्रश्न नंबर 30 में ALU, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 31 है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? अगर अपने को प्रिंट निकालना है दोस्तों तो हम कौन से मेन्यू का प्रयोग करेंगे? स्पेशल, टूल्स, फाइल या एडिट। और मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए कि फाइल मेन्यू में ही प्रिंट होता है, हमेशा प्रिंट जो होता है वो फाइल मेन्यू के अंदर होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद है कि आपके सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे, और अगर सभी सही हो रहे हैं तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न और वैकेंसीज वगैरह की जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? दोस्तों कट कॉपी और पेस्ट के लिए आपका एडिट मेन्यू प्रयोग में ले जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एडिट मेन्यू जो रहता है उसमें कट कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन से पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 33, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जब एक कंप्यूटर में क्या लगाए जाते हैं? दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या फिर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगे होते हैं उसे पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया, भारत की पहली कौन सी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई, और उसका नाम है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम BJP के नाम से जानते हैं। इसने भारत में सबसे पहली पार्टी है जो वेबसाइट अपनी बनाई थी। आगे चलते हैं, CAD इसमें से क्या है? CAD जो है इसमें से क्या है? कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या ये सभी, मतलब पूछ रहा है CAD का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर CAD का पूरा नाम पूछा गया है, मित्रों आपको बताना चाहूँगा CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे चलते हैं, 36वां प्रश्न है, रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? अगर आपको अपने कंप्यूटर में रिज्यूम बनाना है अपना, तो दोस्तों आप किसका प्रयोग करेंगे? पेज मेकर का, MS Word का, जावा का, या ए और बी दोनों का? और इसका सही जवाब मित्रों आपको बताना चाहूँगा ए और बी दोनों। पेज मेकर का भी रिज्यूम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, MS Word का भी रिज्यूम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब तक सफलता तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं हो जाएगी जितनी ज़रूरी है कि सांस लेना, तो दोस्तों उस दिन सफलता आपको मिल जाएगी। मतलब आपको अगर सफलता चाहिए तो आपको सफलता तुम्हारे लिए इतनी ही ज़रूरी हो जानी चाहिए जितना ज़रूरी आपका सांस लेना है, ठीक है? अगर जिस दिन इतना ज़रूरी समझने लग जाओगे तो उस दिन सफलता आपको मिल ही जाएगी। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शंस है नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच या फिर नेटवर्क स्टेशन। और आपको बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर टॉपिकल नेटवर्क के अंदर सबसे जो मजबूत या शक्तिशाली कंप्यूटर होता है उसे हम नेटवर्क सर्वर के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नेटवर्क सर्वर। निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? स्टोर करने का सबसे बड़ा यूनिट KB, TB, MB और GB। और इसका सही जवाब है दोस्तों TB। TB सबसे बड़ा स्टोरेज है, टेराबाइट इसे हम कहते हैं। एक टेराबाइट जो होता है, एक 1 TB इजक्वल्स टू 1024 GB, 1024 GB में 1 TB बनता है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है, ये पूछना चाह रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन होता है दोस्तों? ब्राउजर। तो इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है, नॉट ए वेब ब्राउजर? ऑप्शन है फायरफॉक्स,
सफारी, गूगल प्लस या क्रोम। आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, इनमें से ब्राउज़र जो नहीं है वो है गूगल प्लस। फायरफॉक्स भी है, एप्पल भी है और क्रोम भी है। गूगल प्लस तो क्या है, गूगल प्लस दोस्तों सोशल नेटवर्किंग है, सोशल नेटवर्किंग की साइट है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि गूगल प्लस सोशल नेटवर्किंग साइट है, बाकी फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम तीनों ब्राउज़र के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, लॉजिकल गेट, लॉजिक गेट क्या है दोस्तों, लॉजिक गेट क्या है ये प्रश्न है। और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आपको जो बताना है क्या है, एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है या एक कंप्यूटर गेम है। दोस्तों कंप्यूटर में एक प्रकार का सर्किट होता है, लॉजिक गेट जिसे हम कहते हैं, तो एक प्रकार का सर्किट इसका सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 41वां, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती हैं, कंप्यूटर पर जो सूचनाएँ होती हैं वो किस रूप में स्टोर होती हैं, डिजिटल डाटा में, एनालॉग डाटा में, मॉडेम डाटा में या वॉट्स डाटा में। और इसका सही जवाब जो है मित्रों वो रहेगा डिजिटल डाटा में। कंप्यूटर में जो भी इन्फॉर्मेशन सेव रहती है वो डिजिटल सिग्नल में या डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर रहती हैं। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करने के किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है। ऑप्शन हैं मेमोरी द्वारा, दूसरा है सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा और पेरिफेरल द्वारा। यानी कि जो इनपुट होता है, सबसे पहला इनपुट जैसे आपसे पूछा गया कि 2+2 कितना होता है, आप कंप्यूटर से पूछ रहे हो, तो उसको आउटपुट 4 कौन बदलता है उसको, तो 4 2 और 2 को 4 में कौन बदलेगा दोस्तों, 2 और 2 को 4 में बदलेगा सीपीयू, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू ही होता है ना। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा सीपीयू द्वारा, तो ऑप्शन इसका बी सही जवाब है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता, इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर कंट्रोल। और इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर समझता नहीं किसी बात को, हम उसको कुछ बात समझाना चाहें, हम उसके सामने कोई इमोशन रखें, हम इमोशनल हो जाएं, रोने लग जाएं, हंसने लग जाएं, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, वो कुछ भी नहीं सोचता समझता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये कंप्यूटर नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ, गणना संयंत्र जो अबेकस है वो कौन से देश ने बनाया दोस्तों, अमेरिका ने, भारत ने, यूनान ने या फिर चीन ने। आप सभी को पता होना चाहिए गणना तंत्र जो कि अबेकस है मित्रों, ये चाइना द्वारा बनाया गया था, विकसित किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों चीन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ईडीपी का पूरा नाम क्या है मित्रों, ईडीपी इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और इसका सही जवाब आप सभी को बताने चाहूँगा, इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे चलें, 46वां प्रश्न है, इनमें से रिबूट की शॉर्टकट की कुंजी क्या है, यानी रिबूट करने की, रिस्टार्ट करना हो आपको कंप्यूटर की, जब वो बूट लोड कर रहा हो उस समय उसको रिस्टार्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, तीन बटन होते हैं कीबोर्ड में, कंट्रोल अल्ट और डिलीट, तीनों को एक साथ दबाएंगे तो कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा। कंप्यूटर में, कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है, कंप्यूटर की जो घड़ी की स्पीड की गणना होती है उसको किस में करते हैं, बिट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, इनमें से कोई नहीं। मित्रों कंप्यूटर की जो घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना बिट में की जाती है, किस में की जाती है, बिट में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। 48वां प्रश्न है, विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या है, विंडोज 10 में इनबिल्ट एक नया ब्राउज़र आ गया, विंडोज 10 में इनबिल्ट, उसका नाम क्या है, सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो नहीं, ओपेरा नहीं, एज और कोरटाना। और उसका सही जवाब है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज 10 में जो नया ब्राउज़र आया है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, ये नया ब्राउज़र आ गया, पहले इसकी जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न है 49वां, कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी है, कंप्यूटर की जो भाषा है कोबोल वो किसके लिए उपयोगी है, ग्राफिक कार्य के लिए नहीं, व्यावसायिक कार्य के लिए जी हाँ, वैज्ञानिक के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है ना, क्योंकि कोबोल जो है इसका पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, कॉमन ऑपरेटिंग बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिजनेस आ रहा है बी का मतलब, तो बिजनेस यानी व्यवसाय, ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अंग्रेजी भाषा के समान
उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के तरह ही कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन है C++, कोबोल, पास्कल या फोर्ट्रान। और इसका सही जवाब आप सभी को बताना चाहूँगा, इसका सही जवाब है दोस्तों कंप्यूटर की तरह उच्च स्तरीय जो भाषा है वो है कोबोल। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इनमें से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? इनमें से कौन सी सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है? गूगल प्लस, फेसबुक, ओरकुट या जीमेल। कौन सी सोशल मीडिया की वेबसाइट नहीं है? गूगल प्लस है, फेसबुक है, ओरकुट या फिर जीमेल। आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों, गूगल प्लस सोशल मीडिया है, फेसबुक सोशल मीडिया है, ठीक है, और जीमेल एक सोशल मीडिया की साइट नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा ओरकुट भी है तो जीमेल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों की PDF डाउनलोड करनी हो या फिर इन प्रश्नों को आप अपने मोबाइल फ़ोन में खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप कैसे पढ़ेंगे? दोस्तों आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल में आपको सर्च करना है वैकेंसी गुरु। जैसे आप वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे देखो कंप्यूटर के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कंप्यूटर 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेंगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं। और इसमें जाके आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें। आगे हम चलते हैं वापस से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप वहाँ से पढ़ तो सकते हैं पर दोस्तों समझने में आपको यहाँ पर वीडियो देखें, पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लें, उसके बाद बारी बारी से पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लेना, पहले एक एक चीज़ को समझ लो। प्रश्न नंबर 52 है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना, प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो एक तरह का ऑपरेट करती है, नहीं एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम में काम करने का तरीका, ये भी गलत। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। 53वां प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा जावा के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर की जो भाषा है ना जावा, तो जावा लैंग्वेज के आविष्कार कौन है आपको ये बताना है। जावा लैंग्वेज किसने बनाई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम, सन माइक्रोसॉफ्ट और IBM। और इसका सही जवाब दोस्तों वो है सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आविष्कार कौन है कंप्यूटर भाषा के? इनका नाम है सन माइक्रोसॉफ्ट, जिन्होंने कंप्यूटर की जावा लैंग्वेज को बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली, यानी इंटरनेट कहीं पे भी आ जाए दोस्तों तो आप याद देना कि इंटरनेट पर काम में ली जाने वाली भाषा को जावा लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जावा लैंग्वेज कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। यानी जावा इंटरनेट पर गेम्स, एनिमेशन आदि चलाने के काम में ली जाने वाली भाषा है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। दोस्तों इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? और इसका सही जवाब जो है वो है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है मित्रों? आउटपुट। ठीक है, क्योंकि ये सूचना को बाहर निकालता है कंप्यूटर से। बाकी मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक और मैग्नेटिक डिस्क तीनों इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अगला है, बिजली जाते ही बिजली जैसे ही गई तो कौन सी मेमोरी है जो आपके डेटा को नष्ट कर देती है? जैसे ही कंप्यूटर में लाइट ऑफ होती हैं तो उसी समय आपके कंप्यूटर के सभी डेटा को डिलीट कर देती हैं, ऐसी कौन सी मेमोरी है? रैम, फ्लॉपी, CD या डिस्क। और इसका सही जवाब आपको बताना चाहूँगा, बिजली जाते ही साथ में ही क्या करती थी, अपने डेटा को नष्ट कर देती है, वो रैम है। इसी वजह से दोस्तों रैम को क्या कहा जाता है? अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई मेमोरी। बिजली जैसे ही जाएगी आपके कंप्यूटर से डेटा को नष्ट कर देंगी, इस वजह से इसे अस्थाई मेमोरी का नाम दिया गया है। 57वां प्रश्न है, ईमेल के जन्मदाता इनमें से किन को माना जाता है? इनमें से कौन ईमेल के जन्मदाता हैं? रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, लिंकन, गोलिट्सबर्ग या फिर चार्ल्स बेबेज। और ईमेल के जो जन्मदाता हैं दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, उनका नाम रे टॉमलिंसन है। रे टॉमलिंसन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है ना, ईमेल से सबसे पहला मैसेज 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा था 1976 में, और भारत में ईमेल की शुरुआत 1996 में
हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। और भारत का सबसे पहला फ्री या फिर दुनिया का सबसे पहला फ्री ईमेल सर्विस हॉटमेल है। कौन है? हॉटमेल। ठीक है, आगे चलते हैं। WWW के आविष्कारक इनमें से कौन है? इनमें से कौन है जो WWW के आविष्कारक हैं? वॉन न्यूमैन, जेएस किल्बी, टीम बर्नर्स ली और चार्ल्स बेबेज। और इसका सही जवाब है दोस्तों WWW के आविष्कारक का नाम टीम बर्नर्स ली, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। टीम बर्नर्स ली WWW के आविष्कारक है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय इनमें से कौन सी होती हैं? किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा इनमें से कौन सी हैं? ऑप्शन है बेसिक, जावा, लोगो या पायलट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही जवाब है दोस्तों लोगो। लोगो एक लैंग्वेज है जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त की गई लैंग्वेज है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम जो बच्चों के द्वारा बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, उनके लिए जो भाषा काम में ली जाती है उसका नाम है लोगो। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी आपको बतानी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या कोर मेमोरीज। और इसका सही जवाब है दोस्तों सीडी रोम। ऑप्टिकल डिस्क का नाम आए, ऑप्टिकल कहीं पे भी नाम आए तो ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क होती है। ब्लू रे डिस्क। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो या मिनी। और आप सभी को पता होना चाहिए इनमें सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, गूगल इनमें से क्या है? गूगल क्या होता है? हम सब गूगल का यूज करते हैं। गूगल क्या है? ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी को पता होना चाहिए मित्रों, गूगल में हम कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं, जो भी कुछ खोजना हो हम कहाँ ढूंढते हैं? गूगल में। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके अलावा कुछ और सर्च इंजन है जैसे गूगल, बींग, याहू और बाइडू। गूगल, बींग, याहू और बाइडू ये भी सर्च इंजन के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं यानी सेव कर सकते हैं? बचाने का मतलब क्या है मित्रों? यहाँ पर सेव करना, यानी किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो क्या शॉर्टकट की दबाएंगे? कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, शिफ्ट एफ या फिर कंट्रोल एस। और इसका सही जवाब है मित्रों कंट्रोल एस। सेव करने की शॉर्टकट होती है, सेव में पहला शब्द एस आ रहा है तो कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट होती है। ठीक है, बहुत सारी शॉर्टकट्स होती हैं जो खुद के पहले नाम से स्टार्ट होती हैं पर सारी नहीं होती, ये ध्यान रखना। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है? यानी कि सबसे तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। आप सबको बताना चाहूँगा मित्रों, सबसे तेज गति से जो प्रिंट करता है उसे हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटर कहते हैं। ऑप्शन बी का सही आंसर है, लेजर प्रिंटर। 65वां प्रश्न है, डीवीडी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? यानी डीवीडी कैसा डिवाइस है? आउटपुट है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है या ऑब्जेक्ट है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि ऑप्टिकल डिस्क सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क होता है। तो डीवीडी एक ब्लू रे डिस्क है जिसका पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। प्रश्न नंबर 66 है, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग इनमें से कौन करता है? कौन WWW का प्रयोग करता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जो WWW का उपयोग करता है? HTTP, WBC, FTP या MTP? और इसका सही जवाब जो है मित्रों वो है WWW का प्रयोग HTTP करता है। कौन करता है? HTTP, ऑप्शन ए। और HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और किसी भी URL में काम में आता है http://www.vacancyguru.in। ये अपनी वेबसाइट का URL है, तो यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल है, www का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। आगे चलते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई? दोस्तों भारत में इंटरनेट की सुविधा कब प्रारंभ हुई, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 को हुई, 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी भारत के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, वेबसाइट का एड्रेस निम्न में से क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, अभी जैसे मैंने बताया www.vacancyguru.in, ये एक वेबसाइट का एड्रेस है जो कि हमारी वेबसाइट है। ठीक है, जिस पर आप कंप्यूटर के क्वेश्चंस वगैरह सब पढ़ते हैं, ये URL होता है। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस दोस्तों क्या कहलाता है?
URL कहलाता है। अगला है, कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती हैं? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में और रैम में। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो दिमाग में होती है कंप्यूटर के। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है मित्रों? सीपीयू को कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? पहली पीढ़ी का, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी या चौथी? और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो है सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है, ये कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में विकसित किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन डी। 71वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आप प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन। दोस्तों प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, दोनों, ये भी बाहर निकालता है, ये भी बाहर निकालता है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस से बाहर निकालता है, टच स्क्रीन। दोस्तों टच स्क्रीन तो इनपुट भी है, टच स्क्रीन इनपुट एंड आउटपुट दोनों हैं, ठीक है ना, इनपुट भी लेता है आउटपुट भी करता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। 72वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रिंटर डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटेड डायग्राम पाना हो आपको कंप्यूटर से, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? माउस का, प्रिंटर का, कीबोर्ड का या फिर स्कैनर का? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको प्रिंटेड डायग्राम कंप्यूटर के अंदर लाने हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यानी इंसर्ट करने के लिए, है ना, इंसर्ट करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस काम में लिया जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, इनपुट पूछ रहा है ना, स्कैनर। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी, किसी पेज पर कुछ भी डायग्राम वगैरह छपा हुआ उसको कंप्यूटर के अंदर लेके जाना है, तो आप उसको स्कैनर से स्कैन करेंगे। 73वां प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस में मापा जाता है? मॉनिटर के जो डिस्प्ले का आकार है उसको किस में मापते हैं, कैसे मापते हैं? हॉरिजॉन्टल, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकल? और इसका सही जवाब है डायगोनली। यानी एक जो मॉनिटर होता है दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है ना ऐसी वाली, तो इसकी स्क्रीन को कैसे मापा जाता है, कितना इंच है, तो वो ऐसे तिरछी मापी जाती है, ऐसे डायगोनली, इसे डायगोनल नापना कहते हैं। यानी जैसे 32 इंची है, 32 इंची तो 32 इंच उसको ऐसे तिरछा मापा जाता है, ऐसे नहीं सीधा मापा जाएगा, ऐसे या ऐसे नहीं मापा जाता, ऐसे आड़ा मापा जाता है, इधर से इधर तक, ठीक है, इसे डायगोनल कहते हैं। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन हैं प्रिंटर, प्रिंटर तो आउटपुट है, सर्वर नहीं, कीबोर्ड और मॉनिटर। दोस्तों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दे सकते हैं, कोई भी सूचना कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। इनमें से स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है, यानी स्टार्ट मेन्यू को खोलना है तो कौन सा बटन दबाओगे? दोस्तों स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने का जो शॉर्टकट होता है वो विंडो बटन होता है, विंडो की या विंडो लोगो जिस पर छपा होता है ना, एक ऐसा बटन होता है कीबोर्ड में, जैसे हम विंडो की या विंडो लोगो की कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब रहेगा 75वें प्रश्न में। 76वां प्रश्न है, 76वां प्रश्न पढ़ने से पहले बताऊंगा, यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर के इसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना। विंडोज़ में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग विंडोज़ में नहीं किया जाता? लिफ्टिंग का, ड्रैगिंग का, डबल क्लिकिंग का या क्लिकिंग का? दोस्तों लिफ्टिंग यानी उठाना, मतलब आप माउस को उठाकर नहीं चला सकते, ड्रैग करके चला सकते हो, डबल क्लिक इसमें किया जा सकता है, क्लिक इसमें किया जा सकता है, लिफ्टिंग नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 77वां प्रश्न है, विंडोज़ में खुले हुए प्रोग्राम के बीच अदला बदली के लिए कौन सा टैब दबाते हैं या कौन सा बटन दबाते हैं? मित्रों अगर आपको विंडो में दो प्रोग्राम चल रहे हैं, दोनों के बीच स्विच करना है, यानी आप एक प्रोग्राम पर है दूसरे पे जाना चाहते हो, तो कीबोर्ड की सहायता से कौन सा बटन दबाएंगे? मित्रों आप ऑल्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे। अगर आप जैसे दो प्रोग्राम चल रहे हैं, पहला और दूसरा, आप पहले प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, अब दूसरे पे जाना है, तो आप ऑल्ट प्लस टैब बटन का यूज करेंगे। तो अदला बदली करनी है प्रोग्राम्स की, दूसरे प्रोग्राम पे जाना है तो हम ऑल्ट टैब दबाएंगे। एलसीडी का पूरा नाम इनमें से क्या है? इनमें से कौन सा एलसीडी का पूरा नाम है? दोस्तों एलसीडी का पूरा नाम आप सभी को मालूम होना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। 79 प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है? ऑप्शंस हैं चाइना, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, है ना, या फिर न्यूजीलैंड। और इसका सही जवाब है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं।
है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे चलते हैं, 80 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या इनमें से कौन से राज्य के अंदर पाई गई, यानी भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट चलाने वाले लोग कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु में। और इसका सही जवाब है मित्रों महाराष्ट्र में, आप सभी को महाराष्ट्र में है ना, मध्य प्रदेश नहीं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई है और मुंबई में सबसे ज़्यादा यूजर है कंप्यूटर में इंटरनेट के, तो ऑप्शन इसका ए सही रहेगा महाराष्ट्र। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो किसने बनाया, ऑप्शंस हैं जॉन माउकली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन और इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दोस्तों मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था और उस कैलकुलेटर का नाम रखा गया था पास्कल कैलकुलेटर। अगला है 82, IBM इनमें से क्या है, IBM क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, कंपनी है या फिर हार्डवेयर है। और इसका सही जवाब है दोस्तों IBM एक कंपनी का नाम है जो कंप्यूटर बनाती है, तो इसका सही जवाब है IBM एक कंपनी है और इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का मकसद या फिर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है, आपका कंप्यूटर चालू है उसमें इंटरनेट चलाना है तो आप किसकी मदद से चलाओगे। और इसका सही जवाब है दोस्तों ब्राउजर, ठीक है, इसका सही जवाब रहेगा ब्राउजर, जब होगा तभी आप कंप्यूटर में इंटरनेट चला पाएंगे। अगला है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को इनमें से क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसको इनमें से क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप या फिर प्रोसेसर। और इसका सही जवाब है मित्रों मदरबोर्ड, कंप्यूटर के जो मुख्य बोर्ड को मदरबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 85वां प्रश्न है, HTML का पूरा नाम इनमें से क्या है, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टीच मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज या फिर हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। और इसका सही जवाब है HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। प्रश्न नंबर 86, कीबोर्ड में फंक्शन कीज में कितनी संख्या होती है, यानी कीबोर्ड में जो फंक्शन बटन होते हैं ना F1, F2, ये बटन, ये टोटल कितने होते हैं दोस्तों, ये 12 होते हैं टोटल, फंक्शन कीज की कीबोर्ड में संख्या 12 होती हैं, तो इसका सही जवाब है 12। अगला प्रश्न है 87, कंप्यूटर की भौतिक बनावट इनमें से क्या कहलाती है, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है ना, जैसे कि मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, ठीक है, और अपना जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये सब भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, तो ऑप्शन बी का सही जवाब रहेगा हार्डवेयर। अगला है, DOS का पूरा नाम इनमें से क्या है, फुल फॉर्म ऑफ DOS, DOS का पूरा नाम क्या है मित्रों, DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनको नहीं पता था वो नोट कर लें, कंप्यूटर में डिस्क का पूरा नाम, DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टेक्स्ट में हमारी पोजिशन कौन दिखाता है दोस्तों, हम आज जहाँ पर MS Word वगैरह में काम करते हैं तो टेक्स्ट जो लिख रहे हैं अपन, वहाँ पर हमारी पोजीशन कौन दिखा रहा है कि हम अभी कहाँ लिख रहे हैं, तो इसका नाम जो है वो एक जो लाइन आती रहती है, ब्लिंक करती रहती है ऐसी, उसको दोस्तों कर्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कर्सर। तो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन को कर्सर शो करता है। गेम खेलना इनमें से किसकी मदद से आसान हो जाता है, अगर आपको कंप्यूटर में तेज़ गति से गेम खेलना है और आसान रूप से गेम खेलना है तो किसका आप उपयोग करेंगे, चार ऑप्शन है, कीबोर्ड का, माउस का, जोस्टिक का, इन सभी का। इसका सही जवाब जो है मित्रों वो है जोस्टिक, कंप्यूटर में तेज गति से गेम खेलने के लिए हम जोस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, इनमें से एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है या फिर रनिंग प्रोग्राम है। मित्रों एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, आई थिंक आपका ये सही होगा प्रश्न, और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अगला है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शंस हैं इसके, एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम या पैकेज। और इसका सही जवाब है दोस्तों एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं कंप्यूटर में किसी भी काम को निष्पादित करने के लिए, पूरा करने के लिए। आगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है, कौन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर, पॉल एलन, बिल गेट्स,
ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दोस्तों, आप सभी को एक का नाम तो याद होगा, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं उनमें से बिल गेट्स का नाम तो आपको पता है, पर आपको ये नहीं पता कि पॉल एलन भी उसके फाउंडर हैं, जो कि अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो ए और बी इसका सही जवाब रहेगा, पॉल एलन और बिल गेट्स। एमएस ऑफिस को कौन सी कंपनी ने तैयार किया गया, मतलब कौन सी कंपनी ने एमएस ऑफिस बनाया। दोस्तों एमएस में ही नाम आ रहा है, एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट, एमएस में ही नाम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट इसका सही जवाब रहेगा, 94 में सी आंसर। इनमें से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, इनमें से कौन निःशुल्क सेवा प्रदान करता है। रेडिफ मेल बिल्कुल सही, याहू सही है, हॉटमेल सही है, और ये सभी, तो इसका सही जवाब रहेगा ये सही। और पहला फ्री मेल प्रोवाइडर, पहला फ्री ईमेल प्रोवाइडर कौन था दोस्तों, पहला फ्री ईमेल प्रोवाइडर हॉटमेल था, ठीक है ना, हॉटमेल। आगे चलते हैं, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए तैयार किया गया। दोस्तों पैकमैन आपको मालूम रहा, नाम से ही गेम होता है पैकमैन नाम का एक, तो पैकमैन नाम का एक प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया गया था, वो केवल गेमों के लिए, खेल के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गेम। आगे चलते हैं, वेब पेज को रिलोड करने हेतु इनमें से कौन सा बटन दबाते हैं। अगर वेब पेज रिलोड करना है तो कौन सा बटन दबाते हैं, ठीक है, कौन सा बटन दबा सकते हैं, रिलोड, रिस्टोर, रिफ्रेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों रीलोड, दोबारा लोड करने के लिए रीलोड बटन दबाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओरेकल, ओरेकल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ओरेकल जो है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। 99वां प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, कौन सूचना का राजपथ है, सूचना का सुपर हाईवे कौन है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन हाईवे कौन है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों इंटरनेट, इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेली एक सॉफ्टवेयर होता है, टेली नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका उपयोग हम इनमें से किस काम के लिए करते हैं। टेली जो सॉफ्टवेयर, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या डीटीपी के लिए, और इसका सही जवाब है दोस्तों अकाउंटिंग के लिए। ऐसे करके हमने आज टोटल 100 प्रश्न पढ़ लिए, 100 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आप हमें कमेंट करके बताएं, कमेंट करें, और हाउ मैनी क्वेश्चंस यू आर राइट ये आप हमें कमेंट करके बताने हैं 100 में से, ठीक है। अगर दोस्तों आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं या इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाइए, गूगल में सर्च करना वैकेंसी गुरु, जैसे आप वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आपको होम पेज में, दोस्तों होम पेज में आपको क्या मिलेगा, आपको होम पेज में कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि इस प्रकार आपको देख पा रहे हैं, कंप्यूटर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस ऑप्शन पर आपको जैसे क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। इसके अलावा 100 प्रश्नों के नीचे आप जैसे जाएंगे, इसके सबसे एंड में जाएंगे, तो आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे सबसे नीचे जाने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिलेंगे, जिन्हें आप खोल कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आप आ गए अभी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है मोर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वॉच वीडियो, अगर आपको वीडियोस वगैरह भी देखनी तो यहाँ से देखते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देख सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी मजदूरी को, अपनी जो आपकी तैयारी उसको मजबूत बनाएं। गुड बाय।